नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे विधवा का पति, जो कि शक्ति की कॉमिक्स है और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। चंदा, इस वक्त कोई नर्स उपलब्ध नहीं है, क्या तुम ब्लड बैंक से बी पॉजिटिव ब्लड लाकर दे सकती हो? ओह यस डॉक्टर, स्वेर। अलका, तुम इधर संभालना, मैं अभी आई। डोंट वरी चंदा, तुम ब्लड लेकर वार्ड नंबर 13 के बेड नंबर 20 पर पहुंचो। वहां तक पहुंचने में थोड़ी मुश्किल पेश आने वाली थी। ब्लड बैंक इंचार्ज ने भी ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। हर कोई बिजी है। क्लिक, अंदर कोई पहले से मौजूद था। अरे कौन हो तुम, वहां क्या कर रहे हो? खून पीकर अपनी भूख और प्यास शांत कर रहा हूं। कोई शक, कोई एतराज? ओह नो, ये तो कोई शैतान है। स्वर्ग भी ऐसे ही किसी शैतान राक्षस चील का जिक्र कर रहा था। अभी तक तो मैं बासी खून से ही काम चला रहा था, क्यों ना अब ताजे खून का स्वाद भी चख लूं। बांपा को ताजा खून चखे हुए काफी देर हो गई है। ये तो खुद को बांपा कह रहा है। स्वर्ग के मुताबिक वो दैत्य तो चील है, पर वो भेष बदलने में माहिर है। मेरे शरीर में तीव्र कंपन हो रहा है। शक्ति मुझ पर हावी होना चाहती है, मगर यहाँ अगर एक शैतान चील ही है तो शक्ति का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। क्या शक्ति इस संकट को गंभीरता को नहीं समझ रही है? शायद इसी वजह से मुझ पर हावी होना चाहती है, इस शैतान के अंत के लिए। खून, ताजा खून, इन नसों में खून नहीं लावा बहता है वांपा, पिएगा तो जल जाएगा। खचाक, त्रिशूल वांपा के शरीर में ऐसे घुल गया जैसे साबुन में झाग। वांपा एक और भयानक रूप में शक्ति के सामने था। ये ना समझ कि आग सिर्फ तेरे ही पास है। मैं भी लोहे का सीना और उंगली पर आग रखता हूं जो तुझे भून कर रख सकती है। ओह ये तो रूप परिवर्तित कर रहा है। स्वर्ग ने चील की ये विशेषता भी बताई थी। फिलहाल तो तेरी चलाई गोलियां ही मेरी मुट्ठी में पॉपकॉर्न की तरह भून रही है, और अब भूनेगा तेरा लहू। शक्ति की हथेली से छूट निकला ताप। भीष्म ताप ने वांपा को तपा डाला। ओह वांपा खून की थैलियों की ओर भागा। खून, खून, ये खून चाहता है जो जीवन का प्रतीक है। वांपा वैम्पायर जैसी शैतानी शक्तियों का स्वामी है। धार, वंपायर शक्तियां खून पीकर ही जीवित रहती है। ठाक, मेरी ताप ने उसके रगों में बहते खून को झुलसाकर उसमें मौजूद जीवन के अंशों को समाप्त कर डाला है, इसलिए उसे और रक्त की आवश्यकता पड़ी है। ठाक, और रक्त इसको फ्रिज में रखी खून की थैलियों से मिल सकता है, जो अब मैं इसे नहीं लेने दूंगी। ढार, और इस बात को अब बांपा भी अच्छी तरह से समझ चुका था। ओह ये फरार होना चाहता है, मगर फरार होना इसके लिए मुश्किल होगा। मैं इसकी आंखों के सामने शक्ति इसलिए नहीं बनी थी ये मेरी आंखों को धोखा देकर गायब हो जाए। पक्षी के समान उड़े जाते इसके जिस्म पर मैं इतना लोहा बरसा दूंगी कि वायु को काट काट कर अपने भारी भरकम शरीर उड़ा पाना इसके लिए दुभर हो जाएगा। परिणाम इसकी मौत ही होगा। शक्ति ने अनुमान लगाया, यह लड़ाई केवल 90 सेकेंड की थी और इतना समय चंदा को लगना ही था। ब्लड बैंक में पहुंचकर ब्लड की थैलियां फ्रिज में से निकालने में बाहर से भागते कदमों के स्वर इसी ओर आ रहे हैं। आने वाले में डॉक्टर तरुण भी था। चंदा, यहां पर क्या हुआ था? गोली किसने चलाई? खिड़की किसने तोड़ी? शायद कोई चोर था, ब्लड चुराने पहुंचा होगा, मगर मुझे देखकर वो घबरा गया। मैं उसे पकड़ना चाहती थी पर उसने गोली चला दी जो कि संयोग से मुझे नहीं लगी। फिर वो इसी खिड़की से कूदकर भाग निकला। ओह थैंक्स गॉड, तुम ठीक हो? मगर ब्लड चोर यकीन नहीं होता। हाँ है तो हैरानी की ही बात, डोनेट करने के बाद ब्लड हर किसी को आसानी से उपलब्ध है। मिस्टर राव, ब्लड डोनेशन के भी अपने मापदंड होते हैं। शायद वो चोर उन मापदंडों को पूरा नहीं करता होगा। खैर फिलहाल मुझे बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए।
आगे की कार्रवाई आप स्वयं करेंगे। आओ चंदा, क्या वो चील ही था जिसके बारे में शक्ति को स्वर्ग ने चेताया था? अगर वो चील ही था तो क्या चील मारा जा चुका है? चील के अलावा और होगा भी कौन? डॉक्टर तरुण के वार्ड में जाते ही, प्लीज ये बुके स्वीकार करें। बुके किस बात के लिए? आप कौन हैं? क्या मैं ये चेहरा आपको दिखाने की घृष्टता कर सकता हूं? तो तुम चंदा की नसों में दीपक चोपड़ा को देखते ही एक अनोखा सा तनाव उत्पन्न होने लगा। मैं जानता हूं मेरी सूरत तुम्हारे पूर्व पति दिनेश पाठक से मिलती है, जिसे तुम बेपनाह नफरत करती हो। मैं जानता हूं वो चेहरा तुम नहीं भूल सकती, लेकिन मैं तो दीपक चोपड़ा हूं। मुझसे नफरत करने का मतलब है कि तुम उस भगवान से नफरत करती हो जिसने मुझे ये चेहरा दिया। उस चेहरे ने तुम्हारे प्यार और विश्वास को ठगा था, मगर ये चेहरा तो निर्दोष है चंदा जी। अगर एक फूल कांटा चुभे दे तो उस जैसे फूलों से नफरत नहीं की जा सकती। फिर दोष तो कांटे का है, फूल को सजा किस लिए? भगवान ने इंसान को बनाया है, मगर इंसान को खुद अपने आप को बनाने के लिए उसे स्वतंत्र रखा है, और इंसान अपने चरित्र एवं व्यवहार से ही स्वयं का निर्माण करता है। इंसान मर जाता है, मगर अपने अच्छे चरित्र एवं व्यवहार के कारण वो हजारों दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहता है। इंसान जिंदा रहता है, मगर अपने बुरे चरित्र एवं कठोर व्यवहार के कारण जिंदा होते हुए भी मरे के समान रहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ चंदा जी कि इसमें दोष उस चेहरे का नहीं, उस इंसान के व्यक्तित्व का है जो दोषपूर्ण था, अपराधिक था, हिंसक था। अगर उस जैसे हजार चेहरे भी हो तो तुम्हें उस चेहरे से नफरत करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो दुनिया का सबसे हिंसक प्राणी है। हाँ, ये हिंसा है। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी का जन्म दिवस। पूरा भारत आज के दिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। मैं फूलों का ये बुके तुम्हारे लिए लाया हूं। उस चेहरे के प्रति अपने दिल और अपनी आंखों में भरी घृणा, नफरत और हिंसकता को दूर करके वहां पर प्रेम, नम्रता और अहिंसा की खुशबू फैलाओ। तुम्हारा शुक्रिया दीपक। जो बात मैं इसे नहीं समझा पाया वो तुमने इसे समझा दी, और अगर ये वाकई समझदार है तो इस बात को समझेगी चंदा जी, इस बात को जरूर समझेगी डॉक्टर तरुण। ये समझेंगे कि जिंदगी एक टाइम पास है, बचपन से लेकर आखिरी सांस तक जिंदगी अपने टाइम पास के लिए खुद रास्ते तलाश करती है। खेल खिलौने, दोस्त रिश्ते, सुख दुख, मुश्किलें, मिलना बिछोड़ना, खुशी मातम, आशा निराशा, प्रेम घृणा नफरत, ये सब टाइम पास के वो रास्ते हैं जिनसे होकर गुजरती खानाबदोश सी ये जिंदगी कभी एक रास्ते पर ठहरती नहीं है। ये ठहराव केवल शमशान में जाकर होता है। जिंदा रहना है तो जिंदगियों को चिता मत बनाओ, जिंदा दिली का दामन थामना ही होगा। चंदा, डस्टबिन वहां है। हाँ, डस्टबिन। हाँ, यदि तुम्हें वो चेहरा दीपक चोपड़ा के रूप में आज भी परेशान कर रहा है तो उसके लिए इस बुक को तुम अपने ड्राइंग रूम में तो सजाओगी नहीं चंदा। असमंजस में भी असमंजस जायज था। छोड़ो, ये तो मजाक था। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। चंदा खामोश थी, मगर उस बुक्के ने उसके दिलों में तूफान मचा दिया था। सच ही कह रहा था दीपक चोपड़ा, अगर एक फूल कांटा चुभो दे तो दोष फूल का नहीं, कांटे का है। चंदा, इतनी खामोश क्यों हो? खामोशी तो अब तक थी तरुण। जज्बात चंदा की आंखों से आंसू की शक्ल में टपकने को तैयार बैठे थे। उन्हें गाल पर ढुलकने से ना रोक पाई थी चंदा। आज उस खामोशी को तोड़ रही हूं। मैंने दिनेश पाठक को उसी रूप में चाहा था तरुण, जिस रूप में दीपक चोपड़ा मुझे मिला है। ये सच है कि मैं दिनेश पाठक का वो चेहरा नहीं भूल सकती। मैंने उसे ही अपना सब कुछ माना था। और ये भी सच है कि मैं दीपक चेहरा का चेहरा भी नहीं भूल सकती जिसने मुझे मेरी भूल का एहसास कराया। अब मैं समझ रही हूँ, तरुण की ठोकर खाकर इंसान गिरता है, और गिरकर फिर गिरे पड़े रहना इंसान की दुर्बलता है। आगे बढ़ने के लिए उसे उठना ही पड़ता है, उठकर आगे चलना पड़ता है। जिंदगी की मायने मेरी समझ में आने लगे हैं, थैंक्स गॉड। कल तुम्हारा बर्थडे है चंदा, मैं तुम्हें एक सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूँ।
और वो सरप्राइज गिफ्ट था दीपक चोपड़ा। तुमने ही कहा था ना चंदा कि तुम वो चेहरा कभी नहीं भूल सकती। तुमने ही कहा था कि तुम दिनेश पाठक को दीपक चोपड़ा जैसा देखना चाहती थी। तो अब देखो, अब दोनों तुम्हारे पास है। ये सूरत तो वही है मगर सीरत वो नहीं है। कुदरत ने वो चेहरा तुम्हें वापस लौटा दिया है जिसकी तुम विधवा थी। विधवा का पति उसे लौटा दिया है चंदा। आप खुद को कभी विधवा मत समझना। बस कुछ ही देर में रिश्तों को प्रगाढ़ मजबूती से बांधने का काम ये मंगलसूत्र कर देगा। इसलिए मैं तुम्हें लेकर सीधे मंदिर ही आया हूँ चंदा। तुम मेरा ये तोहफा मुझे लौटाओगी नहीं? शायद कुदरत की यही मर्जी है। पंडित जी मंत्र शुरू कीजिए और दीपक तुम मंगलसूत्र चंदा के गले में पहना दो। ओम मंगलम भगवान विष्णु। मंत्रोच्चारण के साथ ही दीपक के हाथ चंदा के गले की ओर उठ गए थे। सच तो यह है चंदा कि अगर तुम मुझे ना मिलती तो मैं आजीवन इस मंगलसूत्र को कभी भी हाथ नहीं लगाता। तुम्हें देखने के बाद इस पर मैंने तुम्हारा ही नाम लिख दिया था। अब ये मेरा नसीब है कि इसे तुम पहनाने का अवसर मुझे बहुत जल्दी मिल गया। इसको पहनाने का नहीं, तुम्हें पहचानने का अवसर मुझे जल्दी ही मिल गया। अरे उफ, अपशकुन, दुष्ट राक्षस चील, राक्षस धड़, ये तो स्वर्ग है। इसको तो चील की खोज थी। ये यहां पर कैसे? ये तो दीपक चोपड़ा को ही चील कहकर पुकार रहा है। तो क्या दीपक चोपड़ा के रूप में चील है जो दिनेश पाठक की आड़ लेकर भावनात्मक रूप से कमजोर करके मुझे अपनी पत्नी बनाने की चेष्टा कर रहा था ताकि शक्ति के रूप में उसको देवी शक्ति प्राप्त हो जाए? ओह नो, इतना बड़ा धोखा, ऐसा छल! तुम्हें इस दृश्य को नहीं देखना चाहिए। अपना यह कपटी रूप त्याग कर असली वेश में लौट आ चील। तूने चाले तो खूबसूरत चली चंदा के दिल में उतरने की। चंदा, सबसे पहले लोधी गार्डन में छेड़छाड़ की जिस घटना से तुम बदमाशों को सबक सिखाने पहुंची वो बदमाश चील की ही ऊर्जा का रूप थे। वहां से तुम्हारी गंध पाकर ये तुम तक पहुंच चुका था। तुम्हें प्रभावित करने के लिए इसने दूसरी बार खोपड़िया क्रैक गैंग का प्रयोग किया और वहां निंजा फाइटर बनकर तुम्हारे पूर्व पति दिनेश पाठक की शक्ल में तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुआ। तीसरी बार ये कंजर से तुम्हें बचाने का नाटक करता हुआ तुम्हारे सामने आया। तुम्हें इस पर संदेह ना हो जाए इसलिए इसने वामपा को उत्पन्न किया ताकि तुम जो पृथ्वी पर चील के आगमन से परिचित हो चुकी थी इस भ्रम में रहो कि वामपा चील ही था जो अब मारा जा चुका है। एक बार फिर ये फूल लेकर तुम पर अपना प्रभाव जमाने पहुंचा और डॉक्टर तरुण पर ऐसा सम्मोहन छोड़ा कि स्वयं जो तुम्हें चाहता था कि जो स्वयं तुम जो तुम्हें चाहता है तुम्हारा हाथ दीपक चोपड़ा के हाथ में देने को तैयार हो गया। ये सब इसलिए हो रहा था, ये शैतान तुम्हारे रूप में दैवीय शक्ति को ही पा ही लेता, किंतु इन वक्त पर मैं पहुंच गया। दीपक चोपड़ा अप्रत्याशित रूप से चील में परिवर्तित हो गया। हाँ, मगर मेरी कोशिश असफल नहीं होगी। अब मैं शक्ति को प्राप्त करके रहूंगा और तू मुझे नहीं रोक पाएगा। शक्ति, इसने मेरी शक्ति को बांध दिया है। मुझे जाना होगा, मैं वापस शून्य में जा रहा हूं। शक्ति, अब तू मेरी अर्धांगिनी बनकर रहेगी। तेरी शक्ति से मैं सभी देवताओं को अपने कदमों में झुकाऊंगा। तेरा गरूर मैंने एक बार पहले भी तोड़ा था राक्षसशील, आज फिर तोड़ूंगी। भविष्य में ना कभी तू सिर उठाएगा और ना ही तेरा गरूर। इतनी आग भर दूंगी तेरे जिस्म में कि तेरा जिस्म राख बनकर उड़ जाएगा। इतिहास उड़ जाएगा, इतिहास तक तुझे ढूंढता रह जाएगा। इस आग में वो ताप भी है जो दिनेश पाठक का रूप धरकर तूने मेरे क्रोध में शामिल किया है। ओह, तुझे भस्म करने को फड़क रही है मेरी तीसरी आंख। मैं असफल हो गया शक्ति। मैं चाहता तो यहां से भाग सकता था मगर यहां से वापस लौटकर गुरुनोज को क्या मुंह दिखाता। इसलिए तुम्हारे यहां तो भस्म हो जाना ही मैंने श्रेष्ठ समझा। वो चेहरा मुझे जिंदगी का सबक सिखा गया। वो चेहरा मैं सचमुच नहीं भूल सकती।
इसी के साथ ये कहानी भी यहीं खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो आप इसको शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।